नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे केसी इंटरनेशनल के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट आया, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये यूँ यहाँ पे ना न्यूज़ भी बात करते हैं, साथ साथ टेक्निकल्स भी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के बारे में बताया जा रहा है। जियोजित फाइनेंशियल क्या है, तो ये ब्रोकरेज हाउस है और इन्होंने ना केसी इंटरनेशनल का स्टॉक एनालिसिस करने के बाद में टारगेट प्राइस किया गया है 833 रुपये तक का दिया गया है। तो ये जो न्यूज़ है ना, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। और अभी स्टॉक कितने पर ट्रेड कर रहा है, तो देखिए 5.5% का जो ना शानदार अपसाइड भी लिया है, और साथ में ना एक रेजिस्टेंस एरिया पर ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस एरिया है इसलिए यहाँ पे ना एक दोबारा रिजेक्शन देखने को मिला। रिजेक्शन मतलब एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग था, कोई नेगेटिव खराब नहीं है। और यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टर्स को ना काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, जैसे हाइयर आय पैटर्न देखने को मिल रहा है। और अभी करंट सिचुएशन की बात किया जाए तो मार्केट जो है ना एक रेंज बाउंड में है। रेंज बाउंड कितने का है, तो देखिए 721 से लेकर 778 का, एक बार ना ये ब्रेकआउट चाहिए, एक बार ना ये ब्रेकआउट चाहिए। जैसे ये ब्रेकआउट ले ले जाना 778 का, तो फिर बाद में ना हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला जो टारगेट रहेगा ना वो 800 रुपये का रहेगा, दूसरा टारगेट 840 रुपये तक का देखने को मिल सकती है। काफ़ी टाइम से ना मार्केट एक जो है ना बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा था। और ये जो आपको रिजेक्शन दिख रहा था, ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है, वो तो निफ्टी पर निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स का जो पिछले हफ्ते में ना एक प्रेशर आया था, उस वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिला। बाकी कंपनी के अंदर कोई खराबी नहीं, यहाँ से फिर दोबारा हमको मार्केट के अंदर पॉजिटिवनेस भी आ गया, साथ साथ स्टॉक्स में भी पॉजिटिवनेस देखने को भी मिल रहा है। बाय सलो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल पर बार आया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।